नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी विस्फोट किसे और कैसे होता है। एक भूतत्ता के शब्दों में ये वही फूटते हैं जहाँ की पपड़ी कमजोर होती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उगे हुए फोड़े एवं जहाँ इन्होंने कोई रास्ता मिल जाता है, हम पृथ्वी की पपड़ी को भेद कर जो नहीं देख पाते मगर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है। हम अभी तक 4 मील की गहराई तक खुदाई कर सके हैं और हम लोग ने पाया कि गहराई के साथ हमें साथ तापक्रम बढ़ता जाता है। सबसे गहरी खानों को इसे कारण वातानुकूलित करना पड़ता है। नीचे की ओर बढ़ते हुए तापक्रम को देखकर ही था कि पहला तक लोगों का विश्वास अभी हाल पृथ्वी का भीतरी भाग ठोस नहीं हो सकता। वही वहां की चट्टानें ठोस रूप में नहीं है बल्कि द्रव अवस्था में है। लेखक यंत्रों की सहायता से भूकंप की लहरों का अध्ययन या वैज्ञानिक इस कारण परिणाम पर पहुंचे हैं कि मगर भूकंप 1800 मील की गहराई तक पृथ्वी की पपड़ी द्रव अवस्था में नहीं है। सच बात यह है कि पिघलने के लिए उन चट्टानों के पास जगह भी नहीं है। पृथ्वी अनेक अधिक भार से उन्हें वहां दबाए रखी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारी इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।